हेलो फ्रेंड्स आई एम नेहा वेलकम बैक आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे आज की स्टोरी का टाइटल है द होली गंगा द होली हॉली मीन्स पवित्र गंगा पवित्र गंगा द गंगा इज़ आवर नेशनल रिवर द गंगा इज है आवर हमारी नेशनल राष्ट्रीय रिवर नदी गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है it is one of the world heritages it year is have one of the world विश्व में से एक हेरीटेजस धरोहर या विरासत या विश्व धरोहर में से एक है द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री द गंगा इज़ है द लाइफ लाइन जीवन रेखा ऑफ इंडिया भारत की वन एक ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण रिवर्स नदियों ऑफ की आवर कंट्री हमारे देश गंगा भारत की जीवन रेखा है और हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है इट इज कंसिडर्ड स्कैड एंड वर्ड शिफ्ड एज गॉडेस गंगा इट इज इज ए है इस माना जाता सैक्रेड, पवित्र सैक्रेड पवित्र या धार्मिक एंड और पूजा जाता है गॉडेस गंगा देवी गंगा के रूप में इसे पवित्र माना जाता है और देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है द गंगा विगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख द गंगा विगिन्स शुरू करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है विगिन के साथ एस का यूज किया गया है विगिन मिस शुरू करना प्रेजेंट इंडेफिनिट है शुरू करती है या प्रारंभ करती है इट्स अपनी जर्नी जर्नी मिस यात्रा फ्रॉम से गोमुख गंगा अपनी यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है गोमुख इज अ अब मेड ऑफ आइस इन द हिमालयस गोमुख इज है अ केव, एक गुफा केव मिस गुफा मेड मेड मिस बना हुआ बर्फ से या बर्फ का इन में हिमालयाज इन में द हिमालयाज हिमालय गोमुख हिमालय में बर्फ से बनी एक गुफा है द आइस मेल्ट एंड द वॉटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम द आइस बर्फ मेल्ट पिघलती है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है मेल्ट के साथ एस का यूज किया गया है पिघलती है मेल्ट मींस पिघलना प्रेजेंट इंडेफिनिट है पिघलती है एंड और दॉटर पानी फ्लोज बहता है फ्लो के साथ भी एस का यूज किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिटेंस है बहता है आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम एज अ के रूप में अ टाइनी एक छोटी स्ट्रीम स्ट्रीम इंस धारा बर्फ पिघलती है और पानी की एक छोटी धारा के रूप में बहती है एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स मोर एंड लिटिल streams ज्वाइन हर एज द गंगा जैसे जैसे गंगा फ्लोज बहती है, है डाउन नीचे द माउंटेन्स पर्वतों या पहाड़ों से मोर एंड मोर अधिकाधिक लिटिल छोटी स्ट्रीम्स धाराएं ज्वाइन ज्वाइन मीस मिलती हैं हर उसमें जैसे जैसे गंगा पहाड़ों से नीचे बहती है अधिकाधिक छोटी छोटी धाराएं उसमें मिलती जाती है दस दस मींस इस प्रकार द गंगा बिकम्स विगर एंड विगर द गंगा बिकम्स बिकम मींस होना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है होती जाती है बिगर एंड बिगर और बड़ी इस प्रकार गंगा और बड़ी होती जाती है इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट इट यह फ्लोज बहती है फ्लोज के साथ एस का यूज किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है डाउन नीचे द माउंटेन्स पर्वतों वेरी बहुत फास्ट तेज यह पहाड़ों के नीचे बहुत तेजी से बहती है इट एज इट का हिंदी मीनिंग यहाँ पर कुछ नहीं है बिकम वर्ब के साथ एस का यूज किया गया है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है हो जाती है वाइडर एंड वाइडर और अधिक चौड़ी एज जैसे ही इट रीचेस यह पहुंचती है रीच मीस पहुंचना वर्ब के साथ एस का यूज किया गया है प्रेजेंट टेंस का sentence है, पहुंचती है जैसे ही पहुंचती है द प्लेन्स मैदान जैसे यह पहुंचती है और अधिक चौड़ी हो जाती है इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार इट यह रीचेस पहुंचती है द प्लान मैदान एट हरिद्वार यह हरिद्वार के मैदान तक पहुंचती है इन द प्लान इट फ्लोज थ्रो मैनी मैदानी इलाकों में इट यह फ्लोज बहती है थ्रो थ्रो एज ए प्रीपोजिशन यूज किया गया है जिसकी हिंदी मीनिंग है से मैनी कई विलेजेस गावों एंड और टाउंस कस्बों ऑफ इंडिया भारत के मैदानी इलाकों में यह भारत के कई गाँवों और कस्बों से होकर बहती है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड ऑन पर बोथ दोनों द साइड किनारो ऑफ के द रिवर नदी गंगा गंगा नदी के दोनों किनारों पर देयर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है जिसकी इतनी मीनिंग कुछ नहीं है आर है ग्रीन हरे भरे खेत गंगा नदी के दोनों किनारों पर हरे भरे खेत हैं मैनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लान मैनी कई अदरस दूसरे रिवर्स नदी ज्वाइन मिलती है द गंगा इन द प्लान्स मैदानी इलाकों में कई अन्य नदियां मैदानी इलाकों में गंगा से मिलती हैं द यमुना एंड द इनविजिबल विजिबल सरोस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज द यमुना एंड और द इनविजिबल अदृश्य इनविजिबल विजिबल मीन्स अदृश्य यानी कि जो दिखाई ना देता हो सरस्वती मीट मीट मीन्स मिलती हैं द गंगा एट प्रयागराज प्रयागराज में यमुना और अदृश्य सरस्वती प्रयागराज में गंगा से मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम दिस दिस मीन इस मीटिंग मीटिंग मिस मिलन प्लेस प्लेस मिस स्थान या स्थल ऑफ को द मीटिंग प्लेस ऑफ इस मिलन स्थल को द थ्री रिवर्स तीन नदियों इज है कॉल्ड कहा जाता त्रिवेणी संगम तीन नदियों के इस मिलन स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है इट इज अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थ राज प्रयाग इट या इज है अ होली प्लेस एक पवित्र स्थान कॉल्ड कॉल्ड मिस नामक या कहा जाता है तीर्थ राज प्रयाग यह तीर्थराज प्रयाग नामक एक पवित्र स्थान है कुंभ मेला एट प्रयागराज कुंभ मेला प्रयागराज में हैज गेंद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है गेंद मिस प्राप्त किया है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय फेम फेमिस ख्याति एज द वर्ल्ड्स एज के रूप में द वर्ल्ड दुनिया वर्ल्ड के साथ apostrophe का यूज किया गया है जिसकी हिंदी मीनिंग धार्मिक गैदरिंग समारोह ऑफ पीपुल लोगों का प्रयागराज में कुंभ मेले ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अली डिप इन दंगा कैन प्योरीफाई अफ ऑल पास्ट मैनी हिंदुओं का बिलीव विश्वास है इन द गंगा गंगा में कैन हो सकता है प्योरीफाई शुद्ध अ पर्सन एक व्यक्ति पर्सन मिस व्यक्ति होता है पर्सन के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है जिसके हिंदी मीनिंग का की या के होती है सोल आत्मा ऑफ ऑल पास्ट ऑल मिस सभी पास्ट पास्ट मिस पिछले सिंस, सिंस मिस पापो कई हिंदुओं का विश्वास है कि गंगा में पवित्र डुबकी लगाने से व्यक्ति की आत्मा पिछले सभी पापों से शुद्ध हो सकती है आफ्टर पासिंग थ्रो मैनी बिग सीटीज द गंगा फ्लोज टुवार्ड्स द सी आफ्टर के बाद पासिंग पासिंग मीनस गुजरना गुजरने के बाद थ्रो थ्रो एज अ प्रिपोजिशन यूज किया गया है जिसकी हिंदी मीनिंग से है मेनी कई बिग सिटीज बड़े 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 शहरों द गंगा फ्लोज बहती है एस का यूज किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है टूर्ट की ओर द सी समुद्र कई बड़े शहरों से गुजरने के बाद गंगा समुद्र की ओर बहती है एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी एज जैसे ही इट या रीचेस पहुंचती है प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है क्लोजर पास या करीब टू द सी समुद्र जैसे ही यह समुद्र के करीब पहुंचती है

यह मिलती है इन टू मे सी समुद्र जैसे ही यह समुद्र के करीब पहुंचती है इसकी गति धीमी हो जाती है और अंत में यह समुद्र में मिल जाती है द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड एट द बे ऑफ बंगाल द गंगा गंगा के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है जिसकी दीनिंग का होती है गंगा की लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा फ्रॉम से अप ऊपर से इन द पहाड़ों में खत्म हो जाती है एट द बे बे मिस खाड़ी ऑफ बंगाल ऑफ मिस की बंगाल पहाड़ों में ऊपर से गंगा की लंबी यात्रा बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड Ganga सागर मिलती है द सी समुद्र से इज है कॉल्ड कहा जाता या बुलाया जाता द गंगा सागर यह स्थान जहां पर गंगा समुद्र से मिलती है उसे गंगा सागर कहा जाता है गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी गंगा गंगा के साथ पोस्ट ऑफी का यूज किया गया है जिसकी हिंदी मीनिंग का की या के होती है प्योरिटी निर्मलता इज है आवर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी गंगा की निर्मलता हमारी जिम्मेदारी है आज की स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में